ठेकेदार हो, कारीगर हो, कौन हो? कम मैं ठेकेदार हूँ। पहली बार आपने कॉल किया? उससे पहले भी आपने कॉल किया? नहीं, मैंने अभी किया कॉल। ठीक है, दिनेश। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जर्नी विद दिनू में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने पहले एक फेविकोल का वीडियो बताया था तो बहुत सारे लोगों को परेशानी आ रही थी कि आप फुल बताओ, फुल प्रूफ के साथ बताओ। तो मैं आपको प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं कि अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। और उसके साथ दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। उस वीडियो में बहुत सारी जो कमियाँ थी तो वो मैं कमियाँ इस वीडियो में आपको पूरे करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको फेविकोल का अकाउंट खोलने के लिए आपको जो ये ऐप है आप देख सकते हैं, FCC जो फेविकोल ऐप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो ये ओपन होगा। और इसको आप सीधा डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ही डाउनलोड करते तो आपको सीधा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और लैंग्वेज लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे OTP करके आपको रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना होगा वो मैं आपको पूरा वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जैसे रजिस्टर होंगे उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो ये पूरा मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा किस पॉइंट स्कैन करने हैं और कैसे आप गिफ्ट ले सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको इस नंबर पर कॉल करना है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1800 2 फिर 5 बार 6 और 2। इस पर कॉल करते हैं तो आपको क्या बात करनी है वो भी मैं आपको बात करके इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आप इस पर कॉल करते हो तो आपको जो मैंने बोला है वैसा का वैसा बोलना, वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है जो बात करने में। तो दोस्तों अभी करते हैं इस नंबर पर कॉल। फेविकोल चैंपियन क्लब हेडक्वार्टर्स में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका कॉल हेलो 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 हाँ सर बताइए। हाँ मैडम, मैंने वो फेविकोल का ड्रम खरीदा था, तो उसमें जो फेविकोल में अलग अलग टोकन आते हैं ना, तो वो मैंने टोकन इकट्ठे किए, तो उसका अभी क्या स्कीम होता है? हाँ मेरा नाम दिनेश है। हाँ जी दिनेश। आप ठेकेदार हो, कारीगर हो, कौन हो? मैं ठेकेदार हूँ। पहली बार आपने कॉल किया? उससे पहले भी आपने कॉल किया? नहीं, मैंने अभी किया कॉल। ठीक है दिनेश जी, मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए है ना सर, मुझे ना आपका साइड का एड्रेस रहेगा, वेरिफिकेशन होगा। हाँ ठेकेदार हो, कारीगर हो, कौन हो, उसके बाद ही आपसे रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ ठीक है ना, तो कर सकते हैं आप। तो फिर साइड का एड्रेस पूरा डिटेल दीजिएगा तो हम वेरिफिकेशन करके बाद ही आपसे रजिस्ट्रेशन होता है। वो तो आप लिखिए। तो वो फिर मेन एड्रेस दूँ या फिर वो इधर आके कॉल करेंगे तो दे सकते हैं, क्योंकि पूरा मेरा क्या एड्रेस दीजिएगा, पूरा मेन एड्रेस दूँ ना? हाँ ठीक लिखिए। तो फिर अटेलियर सोसाइटी, कौन सा अटेलियर? वाकर पुणे। मोबाइल नंबर बोलो। 9549 6000। ठीक है, अभी हमने आपका डिटेल ले लिया, आप कह रहे हैं कि रिलायंस ऑफिसर है, आपके साइड रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वो कब आए? 30 दिन लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। कितना? 30 दिन? अगर 30 दिनों में, हाँ जी 30 दिन लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो क्या, तो फिर मैं बाहर रहता हूँ तो फिर वो आएंगे तो पहले कॉल करेंगे ना? जी हाँ, जाने से पहले आपको कॉल आएगा, तो 30 दिन कॉल नहीं आएगा, हमें कॉल बैक कीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद उस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ना? जी हाँ सर। हाँ ओके, थैंक यू। कुछ जानकारी जाननी है सर आपको? नहीं, उसी के बारे में जाननी थी। हेलो दोस्तों, तो आपने सुना ही होगा जो मैंने बात किया, तो इस प्रकार आप कॉल करेंगे तो आप बात किया तो उसके बाद वो आएगा अपने साइड पे विजिट करेगा और वो अपना देखेगा कि आप कितना फेविकोल यूज़ करते हैं और वो नॉर्मल आपका आधार कार्ड वगैरह जानकारी लेगा और वो आपका लॉग जो नंबर है वो रजिस्टर कर देगा। जैसे ही आप नंबर रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा जो मोबाइल नंबर का, जैसे ही ऐप ओपन किया मैंने तो FCC का वो ऐप ओपन करते ही यहाँ पर नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो मैंने देख सकते हैं जो नंबर का पहले मैंने लॉगिन कर दिया है तो मेरे को यहाँ पे लॉगिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और इसमें पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं मांगते, ओनली नंबर ही मांगते हैं और उसके साथ आपको OTP डालना होता है। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्कैन पॉइंट ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप कोई भी स्कैन जो
पॉइंट है, तो मैं आपको एक हैटिस का जो स्कैन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप स्कैन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा आता है, तो मैं आपको मैं हीटेक्स का स्कैन करके बताता हूँ। तो आपको जैसे हीटेक्स का कोड है तो उसके ऊपर ऐसा रखना है, और जैसे ही ऐसे रखता है तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप पॉइंट आ चुके हैं जो जिसे लिखे हुए। तो इस प्रकार यदि मैं आपको एक और करके बता देता हूँ, यहाँ पर इसके तो आ गए हैं, फिर ये सबमिट का ऑप्शन भी आ गया है, लेकिन उसके साथ आपको अलग एक दूसरा ऑप्शन में मेरे पास और टोकन है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं ये तो एकदम ओके आ गया है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सबमिट हो गया है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, स्कैन हो गया है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे टोटल मेरे 268 पॉइंट हो गए हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको होम में आपकी निजी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद यदि आप जो स्क्रैच कार्ड है तो वो आप यदि फेविकोल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो आपको अलग अलग गिफ्ट मिलते हैं जो फेविकोल कंपनी की तरफ से। उसके बाद माय प्रोफाइल पे काम जो आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे KYC का ऑप्शन आता है, तो KYC डिटेल देखते हो तो यहाँ पे मेरी अभी KYC है वो अंडर प्रोसेस है, ये पता नहीं क्यों बहुत टाइम लग रहा है, मैंने लगभग 3 महीने हो गए हैं इसके लिए किया तो ये ऐसे ही आ रहे हैं, तो ये पड़ा रहने दे, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वापस मैं क्लिक करो माय प्रोफाइल पे तो मेरी ID वगैरह मोबाइल नंबर दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो क्लब दिखा देते जो मैं जहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो वो मेरा आ गया, उनका नाम भी आ गया जो मेरा साइट पे विजिट करवाने आए थे। और उसके बाद दोस्तों यदि आपको कोई मीटिंग में जाना तो मीटिंग का ऑप्शन मिलता है, और रिडीम गिफ्ट में आप कोई भी गिफ्ट खरीद सकते हैं, जो बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट है तो उनका ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे आपके पॉइंट हो गए, मेरे अभी 268 पॉइंट है, तो उसमें कौन कौन से गिफ्ट मिलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्मल 10 पॉइंट पे आपको लेमिनेट कटर है, तो इस प्रकार बहुत सारे ऑप्शन है, जो ड्रिल है वो भी आपको 50 पॉइंट पे मिलता है, तो ये मैं आसानी से रिडीम कर सकता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे जो ऐड टू कार्ड करके बाद में ऑप्शन जो मिल जाता है उसके बारे में आपको ये नया वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप जो मैसेज ज़रूर करें, जो मैं आपको आसानी से बता दूंगा। और दोस्तों वो कॉल किया तो समय वो पूछती है ना, आपने सुना होगा कि यदि आप ठेकेदार है तो उसमें ठेकेदारी बोले ताकि आपका अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और जब भी वो साइड पर आए तो आपको क्या करना होगा, आपने जो भी और अदर कोई भी फेविकोल है तो वो आपको सामने नहीं रखना है, ओनली फेविकोल का ही आइटम रखना है सामने, और वो बोले तो आपको बता देना है लगभग 5 से 6 क्विंटल हम फेविकोल यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार जो आपको परेशानी नहीं आएगी, और नॉर्मल वो ज़्यादा नहीं पूछते हैं, तो इस प्रकार आप लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे ही आपको होम बटन पे आते हैं तो इनके जो भी प्रोवाइडर है उनका ऐड मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसी कोई भी जानकारी चाहिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे आपको पॉइंट स्टेटमेंट देखने में मिल जाता है, तो मैंने जो ईटेक्स का पॉइंट स्टेटमेंट किया था तो वो भी मैं यहाँ पर देखता हूँ। जैसे मैंने लगभग टाइम हो गया 1 हफ्ते का वो मैंने किया, तो यहाँ पर चेक के और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने हीटेक्स का जो पॉइंट 17 तारीख को स्कैन किया था तो उसमें 2 पॉइंट मिले थे। तो इस प्रकार स्टेटमेंट वगैरह देख सकते हैं, और ट्रांसफर पॉइंट का भी वीडियो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।